अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से तवा फिश फ्राई बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सिंपल मसालों के साथ। तो चलो देखते हैं इसके लिए हमने क्या किया। तो पहले हमने लेना है फ़िश, ये 250 ग्राम फ़िश है जिसको अच्छे से हमने वॉश किया, साफ़ किया। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ये ग्रीन चिली पेस्ट है हरी मिर्ची का पिसा हुआ। उसके बाद ये हल्दी पाउडर है आधा टीस्पून और नमक, इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और इसके बाद हमने इसमें ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सिंपल मसालों के साथ इसको फ्राई कर रहे हैं और आसान से तरीके से। और उसके बाद हमने नींबू ऐड किया और ये मैरिनेशन तैयार है। उसके बाद हम एक तवे पर ऑयल ऐड करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे और ये फ़िश को जमाते जाएंगे। बस शैलो फ्राई करना है हमें, ना कि डीप फ्राई। और बहुत सिंपल तरीके से मज़ेदार ये मछली की डिश तैयार हो जाएंगी और आप इसको झटपट बना सकते और इजीली बना सकते। जब इसको लोग खाएंगे ना, बस आपकी तारीफ ही करते जाएंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी, आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब इसको हमने फ्राई करने के लिए रखा था, ढक्कन ढककर एक 10 मिनट के लिए रख दे। उसके बाद अलट पलट कर ले और अच्छे से कलर आने तक इसको फ्राई कर ले। और उसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। तो ये अब बस लगभग तैयार है, अब इसको हम निकालते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं टेस्ट करके। देखो इस तरीके से ये फिश तैयार हो जाएंगी। अब इसको तोड़कर देखते हैं, देखो अंदर तक अच्छे से कुक हो चुकी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।